वेलकम बैक यूएमबी न्यूज। चलिए जानते हैं देश की तमाम 25 बड़ी खबरों को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूले। आज का लाइक एम 1000 है, हमें उम्मीद है आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें देश में अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। IMD के अनुसार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दादर, नगर हवेली और दमन दीव में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वानुमान है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। मराठवाड़ा में हल्की बारिश संभव है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ भागों में बारिश हो सकती है। ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कर्नाटक के सभी हिस्सों, रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में भी मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। पुदुचेरी और तटवर्ती तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिणी राज्यों में उत्तर पूर्वी मॉनसून की वजह से एक अंतराल के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में आगामी 24 घंटों में फिर से वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को। नहीं रहे CDS विपिन रावत, राष्ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने जताया दुख। CCS की बैठक खत्म, PM मोदी और अमित शाह अलग से कर रहे हैं मुलाकात। अलवर के सरकारी स्कूल के प्राचार्य समेत 15 शिक्षकों पर सामूहिक दुष्कर्म का केस, छात्राओं का मेडिकल से इनकार। अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा। UBL के CCI के 752 करोड़ रुपए के जुर्माना आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील। कोर्ट ने शाहरुख पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप तय किया, पुलिस वाले पर ताली थी बंदूक। किसानों ने स्वीकार किया सरकार का प्रस्ताव, आज दोपहर 12 बजे फिर बैठक। गोवा में हिंदू विरोधी बताए जाने पर TMC ने भाजपा की आलोचना की। CDS विपिन रावत और अन्य के शव आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना असरदार है फाइजर का बूस्टर डोज, कंपनी ने किया खुलासा। जम्मू कश्मीर में 31,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव मिले, गृह मंत्रालय ने कहा। CDS विपिन रावत डेथ पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जताया दुख, बोले दुखी और स्तब्ध हूँ। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, प्रियंका गांधी बोली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,339 केस सामने आए, कल की तुलना में 23% ज्यादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए LED वाहनों का किया फ्लैग ऑफ। तेजस्वी यादव की शादी पक्की, दिल्ली में होगा सगाई समारोह। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, बहुत खराब से अब खराब स्थिति में AQI। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.4 थी तीव्रता। MP में विदेश से भोपाल लौटे 2 कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए आज टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान करेगी BCCI। UP चुनाव में महिलाओं के लिए आज अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगी प्रियंका गांधी। आज मथुरा में रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व CM रविजी नाइक BJP में शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना वैक्सीन अब तक 188 करोड़ डोज लगी, 85% वयस्क आबादी को सिंगल डोज। मुंबई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया। UP के चंदौली में सपा विधायक और कार्यकर्ताओं पर FIR, डिप्टी SP से झड़प का मामला। हिमाचल के मनाली में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, 0 से नीचे गया पारा। जॉर्डन में 5 स्वास्थ्य अधिकारियों को 3 साल की जेल, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी मौतें। पकड़ा गया किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर धमकी और गाली देने वाला शख्स।
ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड में 24 दिसंबर को हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। यूपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएगी बसपा। इस अपडेट में बस इतना ही, मिलेंगे नई खबरों के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए UMB News। नमस्कार।